मैं जीरो का बात करता हूँ, न्यूट्रल जीरो इवन और कुछ भी नहीं। ये कौन कौन कहता है कि ये न्यूट्रल जैसी कुछ? अच्छा जीरो कौन कौन कहता है कि ये ना तो इवन है ना ही ऑड है? कौन कौन बोलता है ये बात? इवन के साथ लगेगा इवन हो जाएगा, ऑड के साथ लगेगा ऑड हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर बता दो जहां जीरो लगा ऑड रहा। ऐसा कोई भी नंबर बता दो जहां जीरो लगा और ऑड रहा। नंबर बता दो मुझे इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जहां जीरो लगा और ऑड है, वो नंबर बता दो। ये तो ऑड के साथ ही लग के इवन बनाता है उसे। 3 के साथ लगा 0 30 इवन। 3 3 नंबर हां इवन 0 0 सर 0 सर। अब ये कोई बात होती है? मैं उन्हें 2 डिजिट नंबर था, बस 0 आगे लगे और कुछ बड़ा है। 0 इवन और ऑड इवन 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 नंबर। कैसे आपने पता किया इस बात को? उससे डिवाइड होता है, उससे डिवाइड होता है। मतलब अभी हम इस चीज पे आएंगे, उससे डिवाइड होता है पहली बात। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं सर, एक नंबर लाइन है और ये इवन नंबर की नंबर लाइन आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? इवन नंबर की नंबर लाइन है, यहां पे ये आ गया 2 4 6 8 10। क्लियर? क्या इवन नंबर ये नहीं है? -2 -4 -6 -8 -10 ये भी इवन नंबर है पक्का? मुझे बताओ अगर कोई दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर इनके बीच डिफरेंस कितने का आएगा सर? 2 का डिफरेंस आएगा। अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है डिफरेंस 2। यहां पे डिफरेंस कितना है सर? माइनस प्लस छोड़ो, ये बताओ डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन माइनस 2 और 2 के बीच में तो ज्यादा डिफरेंस आ गया, इसका मतलब बीच में भी कोई नंबर है और वो 0 है। जैसे 0 को लेके आओगे डिफरेंस 2 और 2 हो जाएगा। बोलोगे तो ये ऑड में भी बनना चाहिए? नहीं बनता सर, देखना है। अगर ऑड की बात करूं 1 3 5 7 9 और मैं अगर इसमें 0 ऊपर डाल देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, तो -1 -3 -5 -7। क्लियर? कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 2 आ रहा है क्या? यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2 कंसेक्यूटिव है तो 2। लेकिन अगर मैं 0 को लेके आ रहा हूं तो डिफरेंस 1। अगर मैं यहां से 0 को हटाने लगता हूं अब डिफरेंस है 2। मतलब अगर ऑड नंबर की सीरीज में आपने 0 को डाला सीरीज गलत, और इवन नंबर की सीरीज में डाला तो सीरीज सही। इसका मतलब 0 क्या है? एक रिजल्ट आपने और पढ़ा बहुत ज्यादा बेहतरीन रहा है। इवन प्लस इवन क्या होता है सर? ऑड प्लस ऑड इवन, ये भी इवन रहता है। और ऑड प्लस इवन ये ऑड होता है। बस ये क्लास प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है? समझ लिया? इवन नंबर मैं एक बार ऐसे बोलता हूं कि प्लस 2 एक इवन नंबर है और माइनस 2 भी एक इवन नंबर है। प्लस 2 माइनस 2 करने पे सर क्या मिलेगा? कैसा रिजल्ट मिलना चाहिए था? क्या इवन आया? बोलो। मैं बोलता हूं अगर एक बार 0 को ऑड अज्यूम कर लेते हैं, ऑड है 0 और ऑड है प्लस 3 करने पे आया 3, नंबर कैसा चाहिए था? मिला क्या? और रिजल्ट को गलत किया उसने 0 जैसे। और अगर आप 0 को देखिए, अगर आपका ऑड एक नंबर प्लस 3 ऑड है और माइनस 3 ऑड है, इवन आना चाहिए था। 1 एक ऑड है, 0 एक इवन है। 1 प्लस 0 1 ऑड मिला थी तो ऑड मिल रहा है क्या? सो 0 इवन नंबर है। इज इट क्लियर और नॉट? इसकी एक प्रॉपर्टी जो सबसे बड़ा डेफिनेशन देता है कि डिविजिबल बाय 2, वो चीज समझते हैं इससे। मतलब डिविजिबिलिटी रूल में जो मैं आपको 0 से करना चाह रहा था, देखो इन तीनों को आपने समझना है। मैं आपको ये समझा रहा था बटर बेटर लोग बोलते थे कि एक नंबर यहां पर एक ऐसी इंटीजर वैल्यू आएगी जो 3 से मल्टीप्लाई करके 15 लेके आएगी। ऐसी इंटीजर वैल्यू क्या है सर? 5 है। मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं 14 को 2 से डिवाइड करता हूं, यहां एक ऐसी इंटीजर वैल्यू आएगी जो 2 से मल्टीप्लाई होके 40 देगी। वो नंबर क्या है? अच्छा मुझे बताओ सर, 15 डिवाइडेड बाय 2, इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी इंटीजर वैल्यू चाहिए जिसका 2 से मल्टीप्लाई करके 15। ऐसा इंटीजर पॉसिबल? इंटीजर चाहिए ऐसा इंटीजर पॉसिबल है क्या? इसका मतलब ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। यही तो बात रही होगी सर। जैसे मैं आपको बोलूं 15 को आप 4 से डिवाइड करो, तो एक ऐसी इंटीजर वैल्यू चाहिए जिसका 4 से मल्टीप्लाई करो 15 आ जाए। कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है इस दुनिया के अंदर? नहीं है। बस यही से रिजल्ट निकलेगी, ये थी जो मैंने ये रेड कलर से लिखी है। मुझे बताओ एक ऐसा नंबर सर चाहिए जिसका 0 से मल्टीप्लाई करो और 0 मिल जाए। आप 0 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, आप 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, आप 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा। ऐसे कितने नंबर है सर? इनफाइनाइट नंबर। सो 0 बाय 0 इज व्हाट? इनफाइनाइट। अरे किसी से भी मल्टीप्लाई करो ना आप 0 को, क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
फाइनाइट, अभी नॉट डिफाइन भी समझा रहा हूं, रुको एक सेकंड, अभी अभी एक मिनट, चलिए खत्म होता नहीं, उसके बाद जितने भी आपके डॉक्टर सर जीरो से मल्टीप्लाई करके वन लेके आ रहे हैं सर, मैं जीरो से किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं जो बोला जाएगा आप बताओ, आपको तो ये सिखाया ना जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो हमेशा जीरो आता है, आया ना, कभी वन पॉसिबल है, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइन, इसे हम डिफाइन करेंगे, इज इट क्लियर और नॉट, 1 बाय 0 इज व्हाट नॉट डिफाइन, अब 0 बाय 1 मुझे आप बताओ सर 1 का मल्टीप्लाई किससे करो जो 0 मिल जाए, 0 से करो, ये 0 ये की नंबर 0 बाय 0 इज व्हाट इनफिनिट, 1 बाय 0 नॉट डिफाइन, 0 बाय 1 0, क्या क्लियर हुआ है, हां पूछिए इनफिनिट वाला सब मैं ये बोल रहा था जैसे